स्वागत है दोस्तों, आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो दोस्तों आज हम बात करेंगे IBPS RRB क्लर्क मेंस जिनका एग्ज़ाम है आपका 16 को, तो आप ये वीडियो ज़रूर देखें एंड तक अगर नॉर्थ ईस्ट से हैं स्पेशली। तो देखिए दोस्तों, नॉर्थ ईस्ट में अभी बहुत लोग परेशान हैं कि IBPS क्लर्क का एग्ज़ाम नहीं हुआ क्लियर, प्रीलिम्स बहुत लोगों का। तो देखिए दोस्तों, परेशान होने की बात नहीं है, जो आपके पास है उसका वैल्यू कीजिए, जो मेंस आपको देना है उसका वैल्यू कीजिए, मेंस अच्छा से देना। और दोस्तों बस यही कहूँगा कि कुछ चीज़ का टेंशन मत लेना, कट ऑफ जो होता है अगर नॉर्थ ईस्ट का बोलूँ तो 80 से लेके 110 के बीच में आपको मोस्ट ऑफ़ द स्टेट में मिल सकता है, 80 से लेके 110 के बीच में मोस्ट ऑफ़ द स्टेट में नॉर्थ ईस्ट का रहेगा। अगर असम और त्रिपुरा का अगर बात करूँ तो यहाँ पर 120 के टच में रह सकता है, 120 के टच में आपका कट ऑफ रह सकता है आउट ऑफ 200। तो आई होप आप समझ गए होंगे, शॉर्ट में मैं बताऊं, अगर आप डिटेल में देखना चाहते हैं तो मैंने ऑलरेडी स्टेट वाइज भी वीडियो डाल दिया है पहले, तो प्रीवियस ईयर का आप जाके देख सकते हैं। लेकिन ओवरऑल अगर बात करूं तो 80 से 110 के बीच में आप सेफ रहेंगे कल का जो भी है। तो आप कोई भी स्टेट है तो एग्ज़ाम ख़त्म होगा तो उसके बाद कट ऑफ पर वीडियो ज़रूर आएगी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप पॉजिटिव माइंडसेट से, एक्यूरेसी से अपना जितना हो बेस्ट अटेम्प्ट करना, ये मत सोचना कि अब मैं अगर बोलूँ 100 अटेम्प्ट तो 100 ही करना, जितना हो अपना बेस्ट दे के आना, बेस्ट ही सबसे बड़ा आपका अटेम्प्ट होगा। तो आपसे 130 अटेम्प्ट हो, 140 हो, अगर एक्यूरेसी से 100 मार्क्स आ रहे हैं या 85 आ रहे हैं या 90 आ रहे हैं, तो याद रखना 80 to 110 के बीच में मोस्ट ऑफ़ द नॉर्थ ईस्ट स्टेट का आपका एग्ज़ाम क्लियर हो जाएगा, असम और त्रिपुरा का 120 के अराउंड। तो आई होप आप समझ गए, मैं डाउट क्लियर की करने की कोशिश पूरा कर रहा हूँ। तो इसी के बीच में आपका कट ऑफ रह सकता है, तो एग्ज़ाम ख़त्म होने दीजिए। अब ये मत बोलना कि एग्ज़ाम हुआ नहीं, मैं कट ऑफ पे बता रहा हूँ, कट ऑफ पे नहीं, वो प्रीवियस ईयर के हिसाब से मैं बता रहा हूँ। तो रेंज बता रहा हूँ एक कि 80 से लेके 110 के बीच में आपका आप सेफ रह सकते हैं। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और बस यही कहूँगा कि ऑल द बेस्ट, अपना आपने मेहनत बहुत कर लिया, बस अब देखिए जो भी हो आपके हिसाब से हो पेपर तो सबसे सही रहेगा। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।